हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। इंडियन सिनेमा के मानो अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अभी दो दिन भी नहीं हुए थे कि मैंने आपको बताया था कि मोती बाग, जो कि एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसे ऑस्कर के लिए चुन लिया गया है, कि एक नई फिल्म की न्यूज़ भी आ रही है। दोस्तों ये नई फिल्म और कोई फिल्म नहीं है, इस फिल्म का नाम है गली बॉय। जी हाँ दोस्तों, जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म गली बॉय को भी ऑस्कर के लिए चुन लिया गया है। इसे भी इंडिया की तरफ से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री मिलेगी और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में चुना गया है। आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि गली बॉय में हमने देखा था रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को, और इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किया था। जहां तक इंडियन ऑडियंस की बात करें, इंडियन ऑडियंस को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इंडिया में इस फिल्म ने 134.21 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस के साथ साथ ओवरसीज़ ऑडियंस ने भी पसंद किया था। इस फिल्म ने ओवरसीज़ में भी 72.58 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। जहां तक इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 238.16 करोड़ रुपीज़। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की IMDb रेटिंग भी काफ़ी हाई है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.3। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस फिल्म के अंदर एक रैपर की कहानी को दिखाया गया है और उसके जीवन के संघर्ष को, स्ट्रगल को दर्शाया गया है कि कैसे वो एक बच्चा एक गली से उठ करके एक बहुत ही बड़ा स्टार बन जाता है। तो दोस्तों वहीं दूसरी ओर फिल्म मोती बाग में उत्तराखंड के किसान के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाला किसान कैसे अपने गांव के लिए जलाशय बनाता है और मोती बाग लगाता है। दोस्तों अब देखना यह होगा कि ये दोनों फिल्में भी पिछले साल आई फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस की तरह ऑस्कर में कमाल कर पाती हैं या नहीं। दोस्तों सिनेमा से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल सीने समाचार को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और किसी भी सिनेमैटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।